नमस्ते, किचन मम्मी द में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए रेसिपी के साथ मैं आ गई हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बनाएंगे कॉर्न क्रिस्पी 65 मतलब क्रिस्पी कॉर्न। तो चलिए इसके लिए हमें ना बेबी कॉर्न का ज़रूरत है, बेबी कॉर्न क्रिस्पी 65 बनाने के लिए। तो ये मैंने पानी रख दिया बॉयल होने के लिए। जब ये बॉयल होएगा तो इसमें देखिए बॉयल होना चालू हो गया। तो इसमें हम ना बेबी कॉर्न है जो मेरे पास 8 पीस है बेबी कॉर्न, पैकेट आते हैं ऐसे, तो 8 पीस के थे तो ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसे हमें ना कुक करना, एटलीस्ट 90% तक कुक होना है। तो इसे कुक करके कुक हो रहा जब तक, तब तक हम ना इसके मैग्नेट तैयार करते हैं, जिस मैग्नेशन जिससे हमें मसाला जो बनाना है कॉर्न को। ये देखिए ये 100 ग्राम मैदा है और 100 ग्राम ही कॉर्नफ्लावर है। क्रिस्पी के लिए हमें एक मैदा कॉर्नफ्लावर, बेसन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है इसमें। और इसी में हल्दी थोड़ा सा डालेंगे, साथ में 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून कितना ब्लैक पेपर, और 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, और साथ में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून कितना गरम मसाला डालेंगे। आप देख सकते हो वो चम्मच मेरा बड़ा था, ये छोटा वाला है 1/2 टेबल। और साथ में नमक मैं 1/2 टेबल डाल रही हूँ, सॉल्ट एज योर पर टेस्ट पर था। अब इसे हम एक बैटर तैयार करेंगे अच्छे से, इतना भी थिक भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा लिक्विड, एक प्रॉपर बैटर होना चाहिए। तो ये देखिए, और मेक श्योर कि इसमें गुल्ठियाँ या लम्स वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैं कैसे इसे मिक्स कर, ये देखिए अब ये इतना लिक्विड आप देख रहे हो, लेकिन इसे अभी हम रख देंगे ना तो ये थिक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अराउंड 10 से 15 मिनट्स के लिए हम इसको रख दे रहे हैं, तब से हम अपना कॉर्न देखते हैं बॉयल हो गया। इसे भी 10 से 15 मिनट हो गया, तो ऑलमोस्ट ये बॉयल भी हो चुका है। ये देखिए सॉफ्ट हो गया 90% तक। तो इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। जब से ये ठंडा हो रहा है हमारा बैटर को भी 15 मिनट्स हो जाएंगे। ये देखिए अभी गर्म है, तो चलिए जब तक बैटर ठंडा हो रहा है ये हम लोग कढ़ाई पे तेल रख देते गर्म होने के लिए। हमने कढ़ाई में तेल दे, और अब देखिए अब बैटर थिकनेस हो गया ना थिक, तो वही मैं इससे बोली आप 15 मिनट बैटर ठंडा साइड में रख देंगे, ये ऑलरेडी ठीक है। और अब चलिए मैं इसे फ्राई करने के लिए, मेरा बेबी कॉर्न भी ठंडा हो गया है। अब इसे हम पूरे अच्छे से लगा लेंगे इसमें और फ्राई होने के लिए डाल देंगे। और ना इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत फ्राई करना, इसके मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, इसे हमें फ्राई करना है मीडियम लो फ्लेम पे, वो भी अच्छे से जैसे पकौड़ियाँ फ्राई करते हो ना, पकौड़ी फ्राई करते हो वैसे ही फ्राई करना है। तो चलिए ये फ्राई हो कर रहे हैं, ये देखिए अब कलर भी इसका कितना चेंज हो गया है। जब तक डार्क भी हो जाए थोड़ा ब्राउन और डार्क ब्राउन, तब तक हम इसे फ्राई करके लेते हैं। वाओ देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है ना। तो चलिए इसे हम ट्रांसफ़र करके ले लेते हैं अच्छे से, ये कुक भी हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने पहले से ही कॉर्न को 90% कुक कर लिया था ना, तो इसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये मेरे पास ना चिली मेयोनीज है, तो इससे आपको अगर चिली मेयोनीज पसंद हो उससे खाइएगा, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो ये देखिए, तो आप ज़रूर ट्राई भी करिएगा और कमेंट्स में बताइए आपको ये कैसा लगा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।